भारत सीमा पर बढ़ा रहा अपनी ताकत। चीन पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात की रॉकेट और तोप। उत्तरी सीमाओं पर तैनात किया M777 अल्ट्रा लाइट होविट्ज़र तोप। दोनों दुश्मनों के छूट रहे पसीने। दोस्तों, भारत को कमजोर समझने की भूल चीन और पाकिस्तान पर भारी पड़ती जा रही है। चीनी ड्रैगन अपनी घटिया चालें चलकर भारत के कई सीमावर्ती इलाकों में घुसकर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और यहां कई निर्माण करने में लगा हुआ है। वहीं चीन का चेला कहे जाने वाला पाकिस्तान भी कश्मीर को लेकर भारत को आए दिन परेशानी में डालता रहता है। इन दोनों गुरु चेलों को सबक सिखाने के लिए वैसे तो भारत इन्हें करारा जवाब देता है, लेकिन फिर भी ये दोनों ढीठों की तरह अपनी बेइज्जती कराने के लिए उसी ढर्रे पर चलने की तैयारी करने लगते हैं। भारत ने अपने दोनों दुश्मनों को निपटाने के लिए अब जो तैयारी की है, उसके बाद चीन और पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। दोनों ही सीमा की तरफ कदम बढ़ाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो गए हैं। वो समझ गए हैं कि अब भारत जैसे शेर की तरफ कदम बढ़ाना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए दोनों अपनी सलामती के लिए सीमा से दूर भागते नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत की बढ़ती दहाड़ दोनों का दूर दूर तक पीछा कर रही है, जिससे साफ हो रहा है कि भारत की सीमा धीरे धीरे सुरक्षित होती जा रही है। वो अपने दुश्मनों के हर जवाब का ऐसा करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है, जिसके बारे में चीन पाकिस्तान ने सिर्फ सपनों में ही सोचा था। आखिर ऐसा क्या कर रहा है भारत? क्यों चीनी ड्रैगन सीमा पर दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गया? क्यों पाकिस्तान भारत से पंगा लेने में कतरा रहा है? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत का नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जितना खूबसूरत है, उतना ही संवेदनशील भी। पाकिस्तान और चीन की सीमा से सटे इस हिस्से पर हर वक्त भारतीय सेना मुस्तैद रहती है। उत्तरी सीमाओं के आसपास हिमालय के ऊंचे पहाड़ हैं। ये एरिया सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए बहुत संवेदनशील हो जाता है। पिछले साल मई के महीने में भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद चल रहा है। दोनों देशों के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है, इसके बावजूद ये विवाद पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। वहीं बातचीत के साथ साथ चीन ने भारत से लगी सीमा में सेना की तैनाती बढ़ाई है। ऐसे में भारत भी रक्षा तैयारियों को मजबूत कर रहा है। इसके अलावा सीमा क्षेत्रों में विकास कार्यों को बढ़ाने के साथ ही सैन्य जो सामान भी इकट्ठा किया गया है। दूसरी तरफ भारत कश्मीर से लेकर गुजरात तक लगती पाकिस्तान की सीमा को लेकर भी गंभीर है, लेकिन कश्मीर को लेकर ये मामला ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान कब्जा करने के साथ साथ यहाँ से आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराता है, जो हमारे लिए बहुत घातक साबित होते हैं। इन्हीं सब को देखते हुए भारत ने अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा कड़े इंतजाम करना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में भारतीय सेना ने देश की उत्तरी सीमाओं पर घातक हथियार तैनात कर दिए हैं। ये है M777 अल्ट्रा लाइट होविट्ज़र तोप। इससे पहले इसकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमाओं के पास की गई थी। इन तोपों की तैनाती से अब पड़ोसी दुश्मन देशों से भारतीय क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ जाएगी। उत्तरी सीमाओं के आसपास हिमालय के ऊंचे पहाड़ हैं, वहां पर सेना बड़े टैंक्स या आर्टिलरी नहीं पहुंचा सकती, इसलिए M777 होविट्ज़र को चिनूक हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया है। इन तोपों को किसी वाहन से खींचकर भी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन एक सीमा तक ही ऐसा किया जा सकता है। उसके बाद इसे हेलीकॉप्टर से उठाकर किसी भी जगह पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनका वजन कम होता है। दोस्तों, इस तोप को अमेरिका की BAE सिस्टम बनाती है, लेकिन इसकी असेंबलिंग भारत में ही एक निजी रक्षा कंपनी करती है। 155 MM अल्ट्रा लाइट होविट्ज़र का उपयोग इससे पहले अफगानिस्तान, इराक और सीरिया जैसे युद्धों में अमेरिका अच्छे से कर चुका है। भारतीय सेना के पास फिलहाल ऐसी 110 तोप हैं, वहीं 145 और तोपों को खरीदने की डील हो रखी है। इसे 8 लोग मिलकर चलाते हैं। ये तोप 1 मिनट में 7 गोले दागती है। इसके गोले की रेंज अलग अलग कोण पर 24 से 40 किलोमीटर तक है। इसका गोला 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दुश्मन की ओर बढ़ता है। M777 अल्ट्रा लाइट होविट्ज़र का वजन 4200 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 35 फीट है। इसके बैरल यानी कि नली की लंबाई 16.7 फीट है। इसकी मदद से 6 तरह के गोले दागे जा सकते हैं। इन गोलों की खासियत की बात करें तो M107 गोले से वार किया जाता है तो ये दुश्मन पर गिरते ही फटता है और तगड़ा विस्फोट करता है। M549 गोला यानी अत्यधिक विस्फोटक रॉकेट असिस्टेड राउंड है। M712 कॉपर हेड गोले को गाइडेड प्रोजेक्टाइल की तरह दुश्मन पर गिरा सकते हैं। इसके अलावा M795 यानी हाई एक्सप्लोसिव गोला ERFB और M982 एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड आर्टिलरी शेल
ये गोला गाइडेड हमला करने में सक्षम है। ये सभी गोले 155 किलोमीटर कैलिबर के होते हैं। सामान्य तौर पर ये तोप दो गोले प्रति मिनट और अधिकतम गति के साथ 7 गोले प्रति मिनट में दाग सकता है। भारतीय सेना फॉरवर्ड पोजीशन पर इन तोपों की तैनाती करके अपनी फायर पावर बढ़ा रही है। इसके साथ ही भारतीय सेना ने उत्तरी सीमाओं पर और अधिक 9 वज्र होविट्जर तोप तैनात करने का विचार बना लिया है। इसके लिए सेना निजी रक्षा प्रमुख लार्सन एंड टुब्रो को 100 और K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर तोपों का ऑर्डर दिया गया है। इसके अलावा भारतीय सेना में इजराइल की बनी नेगेव लाइट मशीन गन को शामिल किया गया है। इसके आने के बाद से सेना की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। नेगेव दुनिया की इकलौती ऐसी लाइट मशीन गन है जो सेमी ऑटोमेटिक मोड और सिंगल बुलेट शूटिंग के लिए प्रयोग की जा सकती है। नेगेव को इजराइल की डिफेंस फोर्सेज भी प्रयोग करती हैं। इसके साथ ही भारतीय सेना के पास मल्टी मिशन बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस है जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक है। इसकी रफ्तार 208 मैक यानी आवाज की क्षमता से 3 गुना ज्यादा तेज है। वहीं इजराइल तकनीक से लैस एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी भारत के पास है। ये किसी भी मौसम में क्रूज मिसाइल और विमानों का आकाश में ही तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर ही पता लगाने में सक्षम है। बेहद उच्च निगरानी क्षमता की वजह से इसे आकाश में आँख कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा निर्मित पिनाक एक मिसाइल सिस्टम है। ये मिसाइल सिस्टम 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है, यानी पिनाक में हर 4 सेकंड में एक मिसाइल फायर करने की क्षमता है। 214 कैलिबर के इस लॉन्चर से एक के बाद एक 12 पिनाक रॉकेट ताक कर दुश्मन के ठिकाने को कब्रिस्तान में तब्दील किया जा सकता है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की बीते कुछ सालों से बढ़ती दोस्ती भारत के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। एक वक्त था जब पाकिस्तान अमेरिका के काफी करीब था, तब उसे अमेरिका से हथियार, पैसा, सब कुछ मिल रहा था। लेकिन अब यह बीते दिनों की बात हो चुकी है। अमेरिका अच्छी तरह समझ गया है कि दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ उसके अभियान के समर्थन में पाकिस्तान चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें करता हो, लेकिन असल में वो खतरनाक आतंकवादियों का महफूज ठिकाना है। भारत को दबाव में रखने और कई दूसरे मकसद साधने के लिए ये जिहादी कभी अमेरिका के लाडले हुआ करते थे। अब अमेरिका के अफगानिस्तान से हटने के बाद पाकिस्तान तालिबान के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ है। ये सब देखकर अमेरिका ने उससे मुंह फेर लिया है। इससे अचानक जो जगह खाली हुई है उसमें चीन घुस आया है। इन दोनों ही देशों का साझा दुश्मन है भारत। अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देना बंद किए तो अब चीन उसे हथियार दे रहा है। अभी पाकिस्तान को चीन से होविट्जर तोपें और मल्टी बैरल रॉकेट मिले हैं। भारत की इस पर कड़ी नजर है। चीन में बनी ये नई तोप दुश्मन पर तेजी से हमला करने में सक्षम है। इसके साथ ही चीन ने भी भारत की सीमा पर अपने फौजी जमावड़े में भारी बढ़ोतरी कर दी है। हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर S-400 जैसे अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक को उसने तैनात कर रखा है। भारत की पश्चिमी सीमा पर भी दबाव बढ़ाने के लिए उसने पाकिस्तान को घातक हथियार दिए हैं। चीन से मिले इन नए खतरनाक हथियारों को पाकिस्तान कहां तैनात करेगा, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये अंदाजा लगाना कठिन नहीं है कि इन हथियारों को किस मकसद से खरीदा गया है। चीन कई तरह से पाकिस्तान को ताकतवर बनाना चाहता है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि चीन पाकिस्तान को मजबूत बनाकर भारत को उसकी पश्चिमी सीमा पर उलझाए रखना चाहता है। अभी कुछ महीने पहले भारत ने पूरी दुनिया के सामने अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन किया था, जिसमें 9 वज्र टैंक से लेकर पिनोक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तक को दुनिया ने देखा था। इस शक्ति प्रदर्शन से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान का गिरा हुआ मनोबल बढ़ाने के लिए ही चीन ने उसे और शक्तिशाली हथियार देने की पहल की है। इसे देखते हुए भारत को भी अपनी शक्ति को बढ़ाना जरूरी हो गया है।